जस्ट सिंगल लाइन की ड्रॉ किया है एंड अगेन मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर देंगे। देन फिल एनी कलर, अभी मुझे थोड़ा सा लाइट शेड में लेके सनसेट कलर फिल करने की कोशिश कर रही हूँ। देन क्लिक ऑन रिसाइज, क्लिक ऑन पिक्सल्स, रिमूव दिस पिक। प्लीज मेंशन अपने माइंड में रखिएगा कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था क्या था, 1359। तो अभी हम इस 1359 से वन कर रहे हैं एंड क्लिक ऑन ओके। और देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आपने जो लाइंस ड्रॉ किया था वो आपका पैनल यहाँ पे हो गया जो कि वन पे है। आप अगेन करेंगे क्लिक रिसाइज, क्लिक ऑन पिक्सल्स, रिमूव दिस पिक एंड मेंशन योर आईडी, व्हाट इज दैट, 1359 एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस तरीके से आप एक नॉर्मल मिक्स कलर बना सकते हो। ये आपका पेंट का एक छोटा सा टॉपिक था जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। रिमेनिंग आप सभी जानते हैं। अगर आपको इसको आगे ड्रैग करना है या कुछ मिरर इमेजेस वगैरह क्रिएट करना है तो आप इसको पैनल को पहले बड़ा करेंगे सिलेक्शन टूल पे रेक्टेंगुलर सेक्शन के साथ। सेम पॉइंट एरिया जो आपने पैनल में कलर फिलिंग किया है उसे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड देन कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। आपने ये पेस्ट कर लिया, आप इसको पेस्ट करके अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि लाइट एंड डार्क शेड का कुछ मैटर आ रहा है इसमें, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्शन पहले प्रॉपर करके मैनेज कर देंगे एंड रोटेट पे जाएंगे फ्लिप वर्टिकल। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर डार्क में जिसके अकॉर्डिंग डार्क डेटा आ रहा है एंड यहाँ पे लाइट शेड आ रहा है। इसके बाद आपको कुछ भी क्रिएट करना है, लाइक इसके सन क्रिएट करना है या कुछ भी आपको डाटा क्रिएट करना है, इमेज कोई क्रिएट करनी है, जैसे मैं सन पे जा रही हूँ आप, सॉरी आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सन ही है एंड इसके अकॉर्डिंग आप कलर फिलिंग करेंगे। कुछ कलर आपका इस तरीके से फिल होगा। आप लाइन में अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं एंड रिमेन ऑप्शन आपका इरेज का है। इरेजर आप कर सकते हो, इरेज कोई भी डाटा इरेज करना है तो आप यहाँ पे लाइन फिलिंग करके अलग कुछ क्रिएट करना चाहते कर सकते हैं। अब आपको जो भी वर्क करना होगा ब्रशेस के टाइप से करना होगा। और जिसकी मुझे यहाँ पे कुछ नॉर्मल माउंटेन के अकॉर्डिंग या ब्लैक कलर के अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएट करना है तो मैं इसे वन बाय वन ड्रैग करके ही बना सकती हूँ। एंड देन फिलिंग करना है तो आपको इस पर्टिकुलर एरिया को ही पहले फिलिंग करना होगा। ओके थैंक यू एंड अभी नेक्स्ट टॉपिक में फिर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ।